आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैं हमारी जो हाईराइडर स्पेशली MH से आई थी। काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी लेकिन हर किसी की वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। तो ये जो है हमारी रहने वाली है स्पेशल कार, जिसके अंदर हमने जो पूरा काम वर्किंग करी है भाई वो करी है 1.5 लाख के अंदर, जो कि आप देखने वाले हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले आते हैं फ्रंट साइड पे, 340 वॉट्स की LED विद 3 ईयर वारंटी इसमें इंस्टॉल हुई है फ्रंट साइड पे। साइड प्रोफाइल पे आते हैं, क्रेटा के ओरिजिनल अलॉय व्हील्स ह्यूंडई के 35,000 रुपीज़ विद हमारा कैप इसके अंदर हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है। टायर जो इसमें आता है वही वाला टायर है। उसके बाद आते हैं हमारे मड फ्लैप्स के बाद हमारे आ जाते हैं ओरिजिनल डिज़ाइन में हाईराइडर की फुटस्टेप के बाद इस कार के ऊपर PPF पहले से हो रखी थी, तो साइड बेडिंग पेंडिंग है क्योंकि वो अभी लगाएंगे तो उखड़ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है इसका PPF। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये डोर वाइजर हमने इंस्टॉल करे 6 पीसेज, रूफ इंस्टॉल करी है 2 पीसेज में सिल्वर कलर की। ये स्ट्रेंथ चेक करें, ये चेक करें आप, ये देखें भाई, ये है क्वालिटी ऑफ द फिटमेंट ऑफ द रूफ रेल्स। अब लोअर गार्निश 4 पीस आती है ओरिजिनल, अगर आप लेते हैं और CN लीक ब्रांड में लेते हैं तो 6 पीस आप लोगों को आती है। ऑटो फोल्डिंग मिरर इसमें इंस्टॉल करे हैं रिलेस के साथ, साइड वेंट इंस्टॉल करा है एंड पावर अप विंडो अप रिले भी इंस्टॉल करी है। ये देख सकते हैं भाई, लॉक करा फोल्ड हो गई, अनलॉक करा अनफोल्ड हो गई। एक चीज़ आप लोगों को और चेकआउट कराता हूँ इसके अंदर, जो कि हमने इसके अंदर इंस्टॉल करी है 4 साइड की पावर अप विंडो रिले। तो ये मैंने सारी अपनी खोल दी है, ठीक है, ये अपनी 4 की 4 ओपन हो चुकी है। अब इसको करेंगे लॉक, एक मिनट चाबी ऑफ कर दूं, ठीक है, अब करेंगे लॉक। तो ये देख सकते हैं भाई लॉक हो गया है। लॉक होते ही सबसे पहले उधर की विंडो, फिर इधर की विंडो, फिर उधर की विंडो, उसके बाद लास्ट में जब वो विंडो ऑफ हो जाएगी तो इधर की विंडो स्टार्ट हो जाएगी। एक एक करके होती है ताकि एक साथ चारों पावर विंडो पे लोड करंट का ना पड़े। पीछे आते हैं, उसके बाद अगेन आप लोगों को अलॉय व्हील्स का लुक चेकआउट कर सकते हैं। डोर गार्ड इसमें इंस्टॉल हुआ है। बैक साइड पे आते हैं, बैक साइड के अंदर इसमें हम लोगों ने इंस्टॉल करी है सी शेप की, जो इन्होंने एक वीडियो में देखी थी, तो ये हमने पहले सिर्फ एक ही वीडियो में लगाई थी, अब आज इनको ये वाली इन्होंने देखी थी, तो सेम सी शेप की इसके अंदर रिफ्लेक्टर लाइट विद रिवर्स विद इंडिकेटर ब्रेक फंक्शन के साथ आ जाएगी। फिर डिग्गी क्रोम इंस्टॉल करा है, लोडिंग क्रोम इंस्टॉल करा है। बैक कैमरा इसमें कंपनी फिटेड आया था, क्योंकि देख सकते हैं S वेरिएंट है। उसके बाद बुलगार्ड बैक साइड पे पूरा का पूरा इंस्टॉल करा है। सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ मैट का लुक, मैट चेकआउट कर सकते हैं, पूरा अपना इसमें इंस्टॉल हो चुका है। इसमें ग्रास मैट देख सकते हैं किस तरीके का ग्रास है। इधर अगर आप देखेंगे ड्राइवर वाला, तो ड्राइवर वाले में आप लोगों को रबड़ पैडिंग भी मिल जाएगी, जिसके अंदर आप लोग ब्रेक पैडल यूज करेंगे तो ये दबके आपका खराब नहीं होगा विद द टाइम। उसके बाद आ जाते हैं डैशबोर्ड पे आइस ग्रे का टच है पूरा का पूरा। आइस ग्रे के साथ हम लोगों ने K4 एम्बियंस लाइट इसमें इंस्टॉल कर रखी है, जिसमें आप लोगों को काफी सारे डिफरेंट मोड्स भी मिल जाते हैं। तो ये एक मोड है, उसके बाद ये एक मोड है, ये इकट्ठी होती रहेंगी एंड में जाके, ठीक है। उसके बाद ये एक मोड है, और बाकी मोड अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन से आप लोग जितने भी मोड्स हैं वो सारे स्पीड और इसकी वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन से। बाकी अभी सिंगल कलर कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने इंस्टॉल किया है मेल फीमेल कपलर, हाई लो कन्वर्टर, हाइपरसोनिक का 4 चैनल एम्पलीफायर, JBL के कंपोनेंट्स, JBL का ही हाई लो है, JBL का ही बूफर इसमें इंस्टॉल करा है। सेंटर AC ग्लोसी करा है, दोनों AC ग्लोसी करे हैं, गियर का ग्लोसी किया है, गियर नॉब चेंज किया है, फ्रंट USB ओरिजिनल आती है, बेस वेरिएंट होता तो ये लगानी पड़ती। उसके बाद ये वाला पूरा लेदर रैप करा है। डोर्स के अंदर आ जाते हैं, तो डोर्स के अंदर हम लोगों ने सॉफ्ट टच किया ये वाला एरिया पूरा, ये वाला हम लोगों ने पूरा का पूरा इसका पूरा रैप करा है, ये हम लोगों ने पूरा का पूरा ग्लॉसी करा है डोर्स का। तो जो इंटीरियर का लेदर वर्क पूरा का पूरा रहता है, इसकी स्टार्टिंग प्राइस है भाई 17,000 रुपये, और इस तरीके का कराते हैं तो 25,000 रुपये तक की कॉस्टिंग आप लोगों को पड़ेगी, जिसके अंदर अगर आप फैब्रिक चेंज करते हैं तो इससे ज़्यादा कॉस्टिंग भी जा सकती है। उसके बाद आते हैं स्टेयरिंग कवर पे, स्टेयरिंग कवर हम लोगों ने पूरा का पूरा ओरिजिनल डिज़ाइन में, जो कि हमारा आता है जिगजैग स्टिचिंग वाला, वो पूरा इंस्टॉल कर दिया है। क्रूज कंट्रोल इसमें आता ही है, बेस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल नहीं आता, तो बेस वेरिएंट में वर्किंग आप लोगों का क्रूज कंट्रोल हो जाएगा। फिर 20mm फोमिंग वाले सीट कवर्स इसके अंदर इंस्टॉल हो गए हैं, डायमंड शेप इनको ऊपर चाहिए थी तो ये वाला करा है, सेंटर परफोरेटेड चाहिए था, सेम सेंटर परफोरेटेड रखा है। साइड के ये शोल्डर्स इसके ब्लैक आ रहे हैं ऊपर से नीचे तक दोनों साइड पे, एयर बैग की टैग आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगी, और इसके अंदर भी कम्फर्ट लेवल जो बैठने के बाद आएगा वो काफ़ी ज़बरदस्त वाला आने वाला है। नीचे की साइड हाईराइडर की वेलकम प्लेट है, तो वेलकम प्लेट आप लोगों को मिल जाएगी। डोर्स के अंदर डबल लेयर डैम्पिंग कर रखी है, डैम बेनिफिट आप लोगों को बताता हूँ। जैसे भी अंदर है तो एम्बिएंट नॉइज देख सकते हो कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और इसका बेनिफिट यही होता है कि जब आप चला रहे हैं रोड नॉइस है वो सारा खत्म हो जाएगा। बाकी अपना पूरा जो डैम्पिंग का सेक्शन होता है वो डोर्स के अंदर करने के बाद जो AC का रिस्पॉन्स होता है, वोकल की फ्रीक्वेंसी होती है अपनी स्पीकर्स की होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो स्पीकर्स हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया, रिंग कपलर कर दिया, मेल फीमेल JBL का ही पूरा सेटअप है, कॉम्पोनेंट को एक्सल हाई लो सब कुछ JBL का इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है। बूफर बूट में है, ये CNG वाला वेरियंट है, डेल्टा वेरियंट अगर ग्रैंड विटार आप ले रहे हैं तो वो वाला वेरियंट आएगा, और इसमें S वेरियंट में आप लोगों को CNG मिलती है, वो वाला वेरियंट है ये वाला।
तो अगर यही जो 1.5 लाख रुपए का काम है अगर आप बेस वेरिएंट में कराओगे तो मैं ऐड ऑन आप लोगों को बता देता हूँ, एक आपकी स्क्रीन ऐड ऑन हो जाएगी जो 5500 रुपए से लेकर आप 25000 रुपए तक की इंस्टॉल करा सकते हैं। 360 ऑप्शनल है, आप चाहें तो 360 भी इंस्टॉल करा सकते हैं। फ्रंट यूएसबी आप लोग लगवाएंगे उसके साथ में तो फ्रंट यूएसबी की कॉस्टिंग ऐड ऑन हो जाएगी। तो मतलब 20 से 25 हजार रुपए अगर आप ऐड ऑन करते हैं बेस वेरिएंट लेने के बाद तो आपका बजट जाएगा 175-180 का अराउंड। तो वो है 1.5 लाख का काम आपने इस गाड़ी में देखा। म्यूजिक सेटअप सुनाता हूँ क्योंकि काफी प्यारा म्यूजिक सिस्टम का इसका सेटअप रहने वाला है, तो आप लोगों को एक बार सेटअप की क्वालिटी सुनाता हूँ कितना बढ़िया है। ओरिजिनल स्क्रीन में इसलिए हम लोगों ने हाई लो कन्वर्टर मेल फीमेल लगाया ताकि जो क्वालिटी ऑफ द ऑडियो है वो काफी बढ़िया है जेबीएल की वजह से। तो ये चला देते हैं गाना थोड़ा सा। कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर कहता हूँ, कभी तो आई गेस क्लैरिटी का आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। इसमें ट्विटर सैच भी ओरिजिनल इंस्टॉल हुए हैं जो कि यहाँ पे रहने वाले हैं ट्विटर्स के लिए, और पीछे अपना बूफर हाई। तो ओवरऑल म्यूजिक सेटअप काफी अच्छा है और बेस का थंप और सारी चीजें ऐसे सेट करी है कि जो इस वेरिएंट में कमी लगती है ना, मतलब इसकी साउंड टॉप वेरिएंट से भी ज्यादा अच्छी है। म्यूजिक सेटअप अच्छा हो चुका है, इंटीरियर उससे अच्छा हो चुका है। बेस वेरिएंट में स्क्रीन अगर लगाते तो 9 इंचेस की लगाते वो भी उससे बढ़िया है क्योंकि उसमें वीडियो प्ले कर सकते हैं, इसमें वीडियो प्ले नहीं कर पाएंगे। तो ये था आज की वीडियो के लिए, होपफुली वीडियो देख के मजा आया। मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर, हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। जाते जाते 340 वॉट की भाई लाइट आउटपुट बनता है। ये देखो भाई रोड पे किस तरीके का रोड दिख रहा है, ये अपना लो बीम है और ये अपना हाई बीम है, और ये बंद करके देखोगे तो ये 340 वॉट की पूरी ब्राइटनेस है। चेकआउट कर सकते हैं, एक नंबर मिलने वाली है सारी चीजें आप लोगों को। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।